सूबे में खुराक वाफिर मिकदार में मौजूद है, मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की मीडिया ब्रीफिंग, कहा वजीर आला महमूद खान खुद सारे मामला देख रहे हैं। टेस्टिंग की गुंजाइश 500 तक बढ़ा दी है। सूबाई हुकूमत वबा से निमटने के लिए 32 अरब खर्च करेगी। तिब्बी अमले और अस्पतालों के लिए 8 अरब जारी कर दिए हैं। अवाम से अपील है ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें और बाहर से आने वालों की फौरी इत्तला दें। जो मुनाफाखोर है और दूसरा इस वक्त जखीरांदोज है, उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। उसके लिए जीरो टॉलरेंस है। इस वक्त हमारे सूबे में वाफर मकदार में इस वक्त गजाई जो खुराक की जो जितनी जरूरियात है वो मौजूद है, क्योंकि खुद वजीर आला साहब खुद फ्रंट फुट पे है और वो खुद एक एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो हमने बढ़ा दी है। इस वक्त KMU की 500 तक पर डे टेस्टिंग का वो पहुंच गया। इस वक्त जो मजमुई तौर पर 32 अरब सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के पिलाव से निमटने के लिए खर्च करेगी। हमारे सेहत से वाबस्ता डॉक्टर्स है, उनकी जो इक्विपमेंट है, हॉस्पिटल्स की जो जरूरियात है, उसके लिए हमने 8 अरब रुपए के जो है पैकेज का फौरी तौर पर वो हमने रिलीज कर दिए हैं। इस वक्त हमने एहतियात करना है। इसमें हमने सोशल डिस्टेंस, कुर्बत, सोशल जो एक्टिविटीज है उससे बिल्कुल परहेज करना है। वो देहात के लेवल के ऊपर हो, वो शहरी इलाके में हो।